Hello everyone, welcome to Genique Education. So in the previous lecture we have discussed about the case first. Now we are going to discuss about what? Case 2. So let's get started. तो केस टू का अगर मैं बात करूं, केस वन में आपने क्या देखा था, व्हेन द नेटवर्क इज कंसिस्टिंग ओनली रेजिस्टेंसेस एंड व्हाट इंडिपेंडेंट सोर्सेस, बट यहां पे अब क्या होगा, केस टू में क्या कंसीडर कर रहा हूं, अ नेटवर्क कंसिस्टिंग रेजिस्टेंसेस, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस एंड इंक्लूडिंग ऑल दीज थ्री इफ वी हैव ऑल्सो अ डिपेंडेंट सोर्स देन वी विल फ्रेम अ केस टू. ठीक है, तो आप ध्यान रखना हमेशा केस टू की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, फर्स्ट थिंग मैंने कहा था स्टेप वन इज ऑलवेज फाइंडिंग व्हाट, फाइंडिंग VTH. दिस इज ऑलवेज माय फर्स्ट स्टेप. कैसा भी केस हो बेटा, सबसे पहले हमेशा क्या निकाला जाता है, आपका VTH निकाला जाता है. तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए. ठीक है, अब बताओ अगर मैं VTH फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आप बताओ किसके क्रॉस फाइंड आउट करना है, AB टर्मिनल के क्रॉस, तो मुझको मतलब AB के क्रॉस आपको सब कुछ फाइंड आउट करना. तो अगर AB के क्रॉस फाइंड आउट करना है तो इसको रिमूव कर दूं, दिस इज ओपन नाउ. ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग इट प्लस माइनस कितना VTH. क्लियर उतनी बात. अब देखिए जरा ध्यान से देखो जरा यहां पर, if this has been open circuited that means this current will be what, 0 ampere. If it is 0 ampere that means this voltage and this voltage is equal to what, same voltage. To main first equation likh dunga, vx is equal to kitna hai, VTH hai. This is my first expression. Clear utni baat. Ab dekhiye zara, ab aapke paas ek network hai, simply aapko bas VTH nikalna, this is the Thevenin ohm, ab kahan gaya koi meaning nahi. ठीक है, यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस VTH, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस VX ओनली. क्लियर, अब बताओ VX अगर निकालना, तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस है. आप मेश एनालिसिस यूज कर सकते हो, या आप सिंपली आप दो मेशेस बना लो, या डिफरेंट ब्रांचेस में आप करंट मान लो और उसके थ्रू आप सोल्यूशन कर लो. बट मैंने कहा हमेशा ट्राई किया करो किसको, नोडल एनालिसिस को. तो आप बताइए नोडल अगर मैं लगाऊं तो मेरे क्या दिखाई देगा, ध्यान से बताना और मेरे को क्लियर करना क्या चीज आपको दिखेगा. तो आप बताओ मेरे को सबसे पहले, अगर इसको मैं इस नोड को, ये तो ओपन हो गया ना, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, तो इसको हटा ही दो, यहां कोई जरूरत ही नहीं आपको कुछ लिखने की. दिस वन इज ओपन नाउ. ठीक है, दिस वन इज VTH प्लस माइनस VTH, और ये भी क्या आपके पास VX इज इक्वल VTH. अब अगर इस नोड को मैं कुछ मान लो मैं इसको V1 मान लेता हूं, तो आप बताइए V1 अगर मैं बात करूं तो V1 इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा ध्यान से बताइए. अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस व्हाट वी विल गेट, V1 ब्रैकेट, बताइए जरा V1 कितना रेजिस्टेंसेस है, 1/2 प्लस 1/3 कितना 3 और ये क्या 1, दोनों जुड़ रहे हैं ना बेटा, दीज आर सीरीज सर्किट बिकॉज दिस वन इज ओपन. तो अगर सीरीज में है तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 कितना 4, 3+1 इज इक्वल 4 इज इक्वल टू, क्या दूसरा कोई नोड है, नहीं है. अगर आप इसको नोड बनाना चाहते हो तो लो आप नोट आगे लिखो, बट लेंदी क्यों बनाए, क्योंकि ये वोल्टेज तो ऑलरेडी पता है ना कि यहां का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, तो लिखने की नीड नहीं है आपको. ठीक है, तो आप बताइए 1/2 + 1/4 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा बताइए, करंट सोर्स इनकमिंग है तो प्लस हो जाएगा VX by how much, that is equal to 4. ठीक है, नेक्स्ट बताइए ये एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, तो बताइए कितना आ जाएगा, 4/2 कितना, that is equal to 2. तो मैं डायरेक्टली कितना लिख दूं, यहां पे 2 वोल्ट लिख दूं डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, नहीं इट्स अ एम्पियर. करेक्ट, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर क्या, 2. अब बताओ दो इक्वेशन मेरे पास मिल गई, बट अननोन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, VX, VTH, नेक्स्ट बताइए जरा V1 एंड व्हाट VX, इसका मतलब अननोन आपके 3 हैं, बट आपके पास क्या है, इक्वेशन आपको 2 है, तो एक इक्वेशन आपको और बनानी पड़ेगी. ध्यान से देखना बेटा, थर्ड इक्वेशन इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूं V1 और VX में एक रिलेशन अगर मुझको मिल जाए तो मैं तुरंत इसको सॉल्व कर ले जाऊंगा. कैसे सॉल्व कर ले जाऊंगा देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं V1 वोल्टेज की, तो V1 मतलब तो यही वोल्टेज ना, यहां से लेके यहां के बीच का वोल्टेज, और आप बताओ ये जो वोल्टेज होगा वो 3 ओम + 1 ओम, मतलब इन दोनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा उतने के ही इक्वल बनेगा ना. तो आप बताइए अगर मैं कहूं इसमें एक केवीएल में लगा दूं, अगर मैं एक केवीएल लगा दूं तो जरा बताओ क्या मुझको दिखाई देगा, दिस V1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल टू, ठीक है, V1 इज इक्वल टू कितना आपको दिखाई देगा बताइए जरा ध्यान से,
V1 is equal to, अगर आप निकालोगे तो this voltage will become, इसमें कोई करंट मैं क्या मान लेता हूं, मान लो कितनी करंट जा रही है, Ix करंट जा रही है। अगर ये Ix करंट जा रही है, जल्दी बताओ V1 is equal कितना होगा, Ix multiplied by 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 plus 1 is equal कितना, 4 times of what, Ix, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। या मैं आप देखो फिर से एक इंट्रोड्यूस एक वेरिएबल और आपका आईएक्स हो गया, बट आईएक्स आप तुरंत निकाल सकते हो, आईएक्स इज इक्वल टू होगा कितना, आईएक्स इज इक्वल टू होगा वी वन इज द टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज 3 और 1 के अक्रॉस बेटा वी वन है, तो आईएक्स की वैल्यू क्या होगा, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो आप बताइए मैं कितना लिख सकता हूं, वी वन डिवाइड बाय कितना, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो आप बताइए आईएक्स वैल्यू इतनी आ गई, तो वी वन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, जरा इस वैल्यू के यहां पुट कर दो, देखो सेम चीज आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने क्या कह दिया, आईएक्स वैल्यू कितनी आ गई, वी वन बाय 4, करेक्ट है। यहां से भी आप देख सकते हो आईएक्स इज इक्वल कितना आ गया, वी वन बाई 4, तो आप चाहे ऐसे लिख लो चाहे आप डायरेक्टली देख कर नेटवर्क लिख लो, बात वही चीज है, लगा है केबल इसके अंदर, तो आप बताओ अब बोलो अगर आईएक्स तुम्हें पता चल गया तो बताओ वीएक्स निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं, तो वीएक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ जाएगा, आईएक्स मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1 ओम, तो आईएक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 ओम इज इक्वल टू Ix वैल्यू है V1 by 4 into कितना 1 is equal to कितना आ गया V1 by 4, this is my equation number 3rd, तो मेरे पास कितना आ गया आपके पास 1 2 and 3, तो तीन equation है, तीन unknown है, आप तुरंत calculate कर सकते हो, तो आप जरा यहां ध्यान से बताइए V1 is equal to मिल रहा है 4 times of Vx is equal to 4 times of क्या VTH, क्योंकि Vx की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास VTH के, इसको वैल्यू यहां पुट कर दो आप तो आपको मिल जाएगी ये इक्वेशन 2 से, जरा ध्यान से देखना कितना मिलेगा, V1 की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ VTH मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 1 बाय 4 एलसीएम लॉ ऑफ 4 यहां पर आ जाएगा, दिस इज 2 दिस इज 1, तो कितना आ गया 3 बाय 4, तो मैं कितना लिख दूंगा 3 बाय 4 इज इक्वल टू कितना है Vx बाय 4, Vx बाय 4 मतलब Vx की वैल्यू VTH के इक्वल है, तो VTH बाय 4 करेक्ट है, प्लस का कितना प्लस का 2, इज इट ओके, तो आप बताइए जरा यहां पे देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया कितना बचा 3 टाइम्स ऑफ VTH इज इक्वल टू VTH बाय कितना 4 प्लस कितना 2, तो VTH अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 बाय 4 इज इक्वल कितना 2, तो मेरे पास आ गया VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना 4 इज इक्वल कितना 2, तो VTH की वैल्यू आपके पास आ गई 8 डिवाइड बाई कितना 11 क्या वोल्ट, समझ में आई इतनी बात, तो VTH की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 डिवाइड बाई कितना 11 वोल्ट, तो थेवेनिन जो वोल्टेज आ गया कितना आ गया आपके पास 8 डिवाइड बाई कितना 11 ओम। मैंने इतना एलोबरेटिव क्यों बताया, व्हाई आई हैव टोल्ड दिस क्वेश्चन सो एलोबरेटिव, आप बेटा जो अभी तक के जितने लेक्चर हुए ना बेसिक कंसेप्ट अगर आपने वो सारे पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को लगाने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए आपको, कैसे ध्यान से देखो ना जरा ध्यान से, अब मैं ये सब कैलकुलेट थोड़ी करूंगा, इतना लेंदी मेथड थोड़ी अपनाऊंगा, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास Vx और V1 रिलेशन निकालना था, आप जल्दी से बताओ V1 इसके क्रॉस अगर वोल्टेज है तो इसकी करंट जो होगी Ix इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V1 डिवाइड बाई 4, मैं तो ये मुंह जवानी करूंगा ना इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, वी वन डिवाइड बाई कितना 4, फिर वही करंट इसमें आएगी तो Vx इज इक्वल कितना हो जाएगा V1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो डायरेक्ट मैं लिखता कि नहीं लिखता इस चीज को, डायरेक्ट ये आता है इसके अंदर, मैं डायरेक्ट उठा के यहां पर रखता इस चीज को और मैं डायरेक्ट VTH की वैल्यू बताता कितनी आएगी 8 बाई 11 वोल्ट, तो VTH आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि RTH यहां कैसे निकाला जाता है और यहां RTH निकालने के हमेशा कितने मेथड होते हैं, आपके दो मेथड अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो चलो देखते हैं और RTH कैसे निकालना है ये समझते हैं। तो RTH निकालने का आपका फर्स्ट मेथड आपके पास क्या अवेलेबल है, क्या फाइंडिंग द ISC व्हाट थ्रू AB टर्मिनल थ्रू AB, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा मुझको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो शॉर्ट सर्किट अगर करंट निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा इसको शॉर्ट कर दूंगा और इस करंट को मैंने नाम क्या दे दिया ISC, मुझे बस यही करंट चाहिए, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा RTH जो निकलता है तो पहला स्टेप क्या है शॉर्ट सर्किट करंट को निकालना, और शॉर्ट सर्किट करंट अगर आपको निकालना जरा ध्यान से बताना, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग मैंने बताया था वोल्टेज अक्रॉस शॉर्ट सर्किट इज ऑलवेज जीरो, करंट में भी एनीथिंग, अगर वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा जीरो होगा तो दिस पोटेंशियल इज जीरो वोल्ट, इफ दिस इज जीरो दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो, तो मैं क्या कहूंगा मेरे पास Vx इज इक्वल कितना आएगा जीरो आएगा, और अगर Vx जीरो हुआ तो आप बताइए Vx बाई 4 भी कितना होगा जीरो बाई 4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच जीरो करंट
की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम्पियर जीरो। तो आप जरा ध्यान से बताना, अगर Vx जीरो हो गया बेटा तो बोलो इसमें करंट कितनी जाएगी, जीरो डिवाइड बाई वन करोगे अगर करंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो एम्पियर। तो आप बताओ इसका जो एक्सटेंडेड सर्किट बनेगा कैसा दिखेगा आपको, लाइक दिस वन। और ये भी अगर जीरो एम्पियर ये करंट हो गया तो ये भी ओपन हुआ, ये भी ओपन हुआ, यहाँ क्या बचा एक पास, प्लस माइनस कितना, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज हाउ मच, 3 ओम। नेक्स्ट बताइए जरा, दिस वन इज ऑल्सो वॉट, जीरो एम्पियर। तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, जीरो एम्पियर मीन्स जीरो एम्पियर। दिस वन इज हाउ मच, लाइक दिस वन, एंड दिस इज योर वॉट, शॉर्ट सर्किट करंट ISC। समझ में आई इतनी बात, ठीक है? तो आप जरा ध्यान रखना क्या चीजें कही जाती हैं उसको जरा ध्यान से रखा करो, ठीक है? यहां डायरेक्टली शॉर्ट हुआ इसलिए जीरो हो गया, बट आप देखना बहुत जगह ऐसा मिलेगा आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा कि डायरेक्टली हर समय जीरो हो ही जाए ये कोई गारंटी नहीं देता, बट क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज, जीरो, तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो एम्पियर। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब बताइए ISC डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ISC इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 कितना होता है, 5, दिस इज एम्पियर। और ISC एक बार निकल गया तो बेटा RTH इज इक्वल टू होता है, RTH इज इक्वल टू होता है, रिलेशन जरा याद करो आप नॉर्टन करंट का, तो क्या होता था, VTH डिवाइड बाई कितना, RTH, IN की वैल्यू, और IN को ही मैं शॉर्ट सर्किट करंट कहता, तो बताइए RTH कितना हो जाएगा, VTH डिवाइड बाई कितना, ISC। VTH की वैल्यू 8/11 इंटू ISC की वैल्यू आपके पास है 4/5, तो यहां कितना हो जाएगा 4, और ऊपर आ गया 5, तो कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई कितना, 44। इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग यू विल गेट 0.909 कितना ओम। करेक्ट हुई इतनी बात, दिस इज माई मेथड नंबर 1, RTH निकालने का एक तरीका ये है। लेकिन दिस मेथड इज, आप इस मेथड का अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कब अप्लाई आप करोगे, जब आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हो, रेजिस्टेंसेज भी हो, और आपका क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स भी हो, तो एक मेथड आपके पास ये है कि RTH आप फाइंड आउट कर लो, और ये आसान भी होगा। क्यों आसान होगा आप सोचो, VTH ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसकी जरूरत तो पड़ेगी, वो निकालना ही पड़ेगा, सिंपली आपको शॉर्ट करना होगा। अगर शॉर्ट आपने किया तो नेटवर्क बेटा थोड़ा आसान तो बन जाएगा, और अगर ये आसान बन गया तो इसका मतलब आपका ISC निकालना आपके लिए आसान होगा। इसी बहाने आपने नॉर्टन करंट भी निकाल लिया, आपने VTH भी निकाल लिया, और आपने क्या निकाल लिया, RTH भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब बताइए जरा, थेवेनिन मॉडल आप नहीं बना सकते अब, ठीक है? थेवेनिन मॉडल बन गया, ISC भी निकल गया, नॉर्टन मॉडल बन गया। अब इस 5 ओम जो यहां लगा था, इसमें कुछ भी पूछता आप तुरंत कैलकुलेट कर ले जाते। बट बिफोर डूइंग दैट थिंग आई विल सी व्हाट वी विल सी मेथड नंबर 2 क्या है। जब भी इस तरीके के नेटवर्क होंगे मेथड नंबर 2 क्या है, तो मेथड नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं मेथड 2 कैसे किया जाता है फाइंडिंग द RTH वैल्यू। क्लियर? तो चलो देखते हैं मेथड 2 में हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड जो है मेथड नंबर 2, मेरा केस 2 ही चल रहा है। तो आपको मैंने पहला मेथड तो बता दिया कि आप कैसे निकालोगे, आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालो, दैट वाज इजी वन, ठीक है? बट हियर वी हैव अ नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2, दैट इज नोन एज अ टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, ठीक है? एंड दिस टेस्ट वोल्टेज अप्रोच इज अ जनरल मेथड। जनरल मेथड में मतलब होता है कि इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप इस मेथड को आप केस फर्स्ट में भी लगा सकते थे, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे और क्या था आपके पास, केवल रेजिस्टेंसेज आपके थे। क्लियर उतनी बात? तो आपको ध्यान रखना है कि दिस इज द मोस्ट जनरल अप्रोच, ये सबसे जनरल अप्रोच है। जब कुछ भी ना समझ में आए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका जो आंसर आएगा RTH इज ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, VT डिवाइड बाय IT। टेस्ट वोल्टेज का मतलब होता है कि आप जो मेजर करना चाह रहे हो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे, तो आप एक एक्सटर्नली आप क्या लगाते हो, एक वोल्टेज सोर्स आप कनेक्ट करो, और वोल्टेज सोर्स से कितनी करंट आपके निकल जा रही है, दोनों का रेशियो आप ले लो, जितना आ जाए RTH निकल जाएगा आपका। बट ऐसा करते समय ध्यान रखना आपको, फिर से वही चीज आ गई, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को क्या रखना है आपको, शॉर्ट सर्किट, और इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्सेस उसको क्या रखना है आपको, ओपन सर्किट। बट यू डू नॉट हैव टू टच द व्हाट, डिपेंडेंट सोर्सेस। तो आप बताइए जरा ध्यान से देखें, यहां पे अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करूं तो इसको मैंने कनेक्ट किया दोनों को, इंडिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स उसको मैं शॉर्ट कर दूं, तो ये लो मैंने शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट बताइए, क्या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यहां पे, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा नेटवर्क आपका रेडी हो गया। अब मैं इसको अप्लाई करके मैं कैलकुलेट करूंगा किसकी वैल्यू, इन दोनों का रेशियो। तो मेरे पास सबसे सुटेबल मेथड क्या है, आप केबल KCL पे जा सकते हो, आपको जो मर्जी वो करो। बट मैं अगर नोडल की बात करूं, तो नोडल लगाने के लिए आप देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है मेरे पास, एक नोड ये है और एक नोड मेरे पास ये है, ठीक है? इसको मैं मान लेता हूं V2 और इसको मैंने क्या मान लिया, V1। तो आप बताइए मेरे को ध्यान से देखो, यहां पे V1 मींस दिस वोल्टेज, दिस वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वोल्टेज। तो मैं लिख सकता हूं पहला ही
V1 is equal to Vx is equal to कितना Vt, this is my equation number 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नोडल, और नोडल फर्स्ट पे लगाता हूँ मैं, तो नोडल अगर मैं फर्स्ट पे लगाऊँ, देखो इक्वेशन नंबर 2 डेवलप हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, V1 ब्रैकेट 1 by कितना 3, 1 by 3 प्लस 1 by कितना 1, तो 1 by आपके पास 1 हो गया। नेक्स्ट बताइए, ये देखो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, दैट्स ओवर, ठीक है। माइनस कितना, दिस वन इज V2 कॉमन नोड, ठीक है। तो V2 कितना बेटा रेजिस्टेंस है, 1 by 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। एक क्या इस पे कोई करंट आ रहा है आपके पास, भाई देखो ना, ये आईटी करंट आ रहा है, इनकमिंग है, तो मैं क्या ले लूंगा, दिस वन इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज इक्वल टू कितना आईटी, दैट्स ओवर, ठीक है। दिस इज माय एक्सप्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड नोट पर मैं लगाऊं, तो मैं लिखूंगा, बोलो कितना लिखूंगा, V2 कितना 1 by कितना 3, तो 1 by 3 प्लस 1 by कितना 2, तो मैं कितना लिखूंगा 1 by 2। नेक्स्ट बताइए, V2 किसके साथ कॉमन है, V1 के साथ, तो माइनस V1 कितना 1 by 3 इज इक्वल टू, जरा बताइए इस पे इनकमिंग कितना करंट आ रहा है, दैट इज Vx by 4, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, Vx divided by कितना 4 इज इक्वल, दिस वन इज द थर्ड एक्सप्रेशन, क्लियर इतना, ठीक है। तो आप बताइए, इतना इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको बस निकालना वीटी बाई आईटी का रेशियो। जरा देखो कितना सिंपली आप निकाल सकते हो इस चीज को, तो बताइए जरा क्या निकल के आएगा आपके पास। ध्यान से देखो, यहां पे पहले एक्सप्रेशन का अगर मैं बात करूं, V1 इज एक्जैक्टली इक्वल वीटी, तो मैं लिख सकता हूं वीटी कितना, दिस वन इज 1 बाई 3 प्लस 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, एलसीएम इज 3, दिस इज 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, तो 4 बाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा V2 वैल्यू मुझे नहीं पता, तो V2 by 3 प्लस कितना IT, करेक्ट हुई इतनी बात, फर्स्ट एक्सप्रेशन से आ गया। नेक्स्ट बताइए, इस एक्सप्रेशन जरा ध्यान से देखो, इसमें आप V2 इज इक्वल टू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ दिस वन, तो कितना मिलेगा V2, ये कितना आ जाएगा बेटा बताइए, दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 3 इज अ 6, मतलब ये 5 आ गया आपके पास, दिस इज 5, ठीक है। नेक्स्ट माइनस V1 की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता VT की इक्वल है, तो इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और लिख दिया मैंने VT डिवाइड बाय कितना 3, और ये क्या VX इज ऑल्सो इक्वल टू VT, तो मैं कितना लिखूंगा प्लस का कितना VT डिवाइड बाय कितना बेटा 4, करेक्ट है इतनी बात। तो आप बताइए मेरे को, VT अगर मैं यहां से निकालूं, तो VT कॉमन ले लिया, कितना आ गया आपके पास 12, ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस वन इज व्हाट 3, तो कितना आ गया 7 बाय 12, इज इट ओके, ठीक है। अब ये 7 बाई 12 अगर आ गया, तो आप बताइए जरा V2 की जो वैल्यू आ जाएगी, तो मैं लिख दूंगा V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस वन, तो मेरे पास कितना आ जाएगा VT टाइम्स ऑफ 7 बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 5, तो 6 डिवाइड बाई 5 आपके पास आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी VT, दिस विल बी 7 डिवाइड बाई 10, करेक्ट, 6 टू ज 12, 5 into 2, how much it is? 7 divided by 10. This is the V2 value. इस V2 value को उठा के यहाँ पर अगर मैं रख दूँ, तो मेरे पास कितना मिल जाएगा? That is equal to, V2 value रखो जरा, VT, 7 by कितना? 10, plus कितना? IT, और ध्यान देने जरा, 3 से divide भी है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ 30, क्लियर उतनी बात। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे VT और क्या है आपके पास, IT केवल है, और इसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, बस रेशियो आप बता दो कितना आ जाएगा, जरा बताइए रेशियो कितना आएगा। VT कॉमन ले लिया, VT ब्रैकेट 4 by 3, दिस इज 4 by 3, इसको इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास कितना मिलेगा, माइनस कितना 7 by कितना 30 इज इक्वल टू कितना IT। तो आप बताइए इसका एलसीएम लो जरा, VT तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 30 मीन्स कितना 4 इंटू कितना 10, दैट इज कॉल्ड 40 माइनस 7 IT। तो फाइनल आंसर मेरे पास जो आ गया, दैट इज कॉल्ड टू कितना आ गया बेटा बताइए, फाइनल आंसर बता दीजिए मेरे, कितना आ गया VT डिवाइड बाई IT इज इक्वल टू VT डिवाइड बाई IT, इधर आ ये पूरा उधर गया, तो कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 40 माइनस 7 मीन्स होता है दैट इज कॉल्ड टू 33। तो 30 डिवाइड बाई 33 अगर आप करते हो, you are going to get the value of RTH and this will come out to be how much, 0.909, कितना ओ, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आपको क्या करना है,
30 डिवाइड बाई 33 अगर आप करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 909. फाइनली आपके पास क्या आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 33, दैट इज इक्वल टू 0.9093. तो आपने क्या किया यहाँ पे, तो आपके पास दो मेथड अवेलेबल है, आप किसी मेथड से बेटा करो, हमेशा आंसर आपका क्या आने वाला, सेम आने वाला है. तो आप ध्यान रखो, तो आप पास थेवेनिन वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया और क्या निकाल लिया, आरटीएच. और आरटीएच निकालने के हाँ मैंने दो मेथड आपको बताया. पहला मेथड क्या बताया मैंने आपको कि अगर आप पास क्या आईएससी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आरटीएच की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू वीटीएच डिवाइड बाय कितना आईएससी. दूसरा मेथड आपको बताया टेस्ट वोल्टेज अप्रोच, जिसमें वीटी और आईटी आप कैलकुलेट कर लो दोनों का रेशियो, यू आर गोइंग टू गेट द आरटीएच. बट सेकंड अप्रोच में आपको ध्यान बस इतना रखना है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या करना है आपको, डीएक्टिवेट. क्लियर इतनी बात. तो आई थिंक आपको ये केस वन केस टू सब समझ में आ गया होगा. और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे केस थ्री समझेंगे और प्लस कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे थेवेनिन एंड व्हाट नॉर्टन थ्योरम पे. तब तक आप इंजॉय करते रहो, एकदम बेस्ट अप्रोच अपना देते रहो, एकदम जबरदस्त आप देते रहो और चीज़ें आपकी बेस्ट होनी चाहिए तो होनी चाहिए. और आगे हम देखेंगे और भी चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है. तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विथ मोर प्रॉब्लम्स. थैंक यू.